कराची समुंदर में तेल की तलाश करने वाली कंपनी एक्जन मोबिल ने पाकिस्तान के लिए एक और खुशखबरी सुना दी है। एक्जन मोबिल जो केकरा वन पर तेल और गैस की तलाश के लिए ड्रिलिंग कर रही है ने अब ख्वाहिश जाहिर की है कि वो पाकिस्तानी समुंदर के मजीद ब्लॉक्स में तेल की तलाश के लिए ड्रिलिंग करने की ख्वाहिशमंद है। एक्जन मोबिल के वफ ने वजीर पेट्रोलियम उमर अयूब से मुलाकात की और इस मुलाकात में उन्होंने केकरा वन कुएं में तेल की मौजूदगी की उम्मीद जाहिर की। इसके अलावा वफ ने वजीर पेट्रोलियम से ख्वाहिश जाहिर की कि कंपनी पाकिस्तान में एलएनजी मंसूबों में भी सरमायाकारी करना चाहती है। कंपनी ने पाकिस्तानी समुद्र में मजीद जगहों पर ड्रिलिंग करने की भी ख्वाहिश जाहिर की। एक्जन मोबिल के वफ ने ऐवान सदर में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से भी मुलाकात की और उनसे भी एलएनजी में सरमायाकारी के हवाले से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, जिस पर सदर मुमलिकत ने एक्जन मोबिल की पाकिस्तान में सरमायाकारी को सराहा। उन्होंने एक्जन मोबिल को मजीद संतों में भी सरमायाकारी की दावत दी है। इससे पहले एक्जन मोबिल के नुमाइंदे ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की थी, जिसमें इन्हें केकरा वन कुएं पर खुदाई के हवाले से ब्रीफ किया गया और वजीर आजम ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के योम तासीस की तकरीब से खिताब के दौरान बताया कि अगले दो हफ्तों में पता चल जाएगा कि कुएं से तेल और गैस निकलेगा या नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मुझे पता है कि इस कुएं से 50 साल तक का तेल निकल सकता है।